ये देखो ये केक के लिए है। अच्छा ठीक है, ये केक के लिए आता है, या कोई भी चीज आपको राइस वगैरह बनाना है तो बना सकते हैं। ये फिटिंग मालूम है ना आपको? हाँ, ये तो मालूम है, ये कैसे फिटिंग करना है ये भी मालूम है। ठीक है, ये ग्रिल करने के लिए रहता है दोनों भी। हाँ। कोई भी चीज ग्रिल करनी है, पनीर या एनीथिंग जो भी ब्रेड वगैरह ग्रिल करना। हाँ, है तो इसके ऊपर रख के कर सकते हो या दोनों रख सकते हो। ठीक है, अच्छा अच्छा दोनों ये रख दोनों भी रख सकते हैं, नीचे ऊपर भी। अच्छा, नहीं वो आए तो बोला थे एक ही दोनों भी रख सकते हैं। हाँ, ज्यादा ब्रेड है तो इसके ऊपर या जो भी आइटम है। अच्छा अच्छा, नॉनवेज भी यूज करते हैं, डबल यूज कर सकते हैं। हाँ, डबल यूज कर सकते हैं। ये बिस्किट नान कढ़ाई के लिए है या पिज्जा बनाना है। हाँ, उसके लिए कोटिंग वाला सेरेमिक कोटिंग का प्लेट है, किसी में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी चीज आपको गरम करनी है, सिर्फ गरम करनी है। हाँ, तो ये बटन एक दबाना है स्टार्ट का, सिर्फ इतना ही। 30 सेकंड का टाइम उसके अंदर ऐड किया हुआ है। बाय द वे, आपको ज्यादा गरम करना है, क्वांटिटी ज्यादा है, तो इसको दो बार दबाएंगे तो एक मिनट हो जाएगा, 30-30 एक मिनट। अगर थोड़ा थोड़ा बढ़ाना है तो रनिंग कंडीशन जैसे चल रहा है तो यहाँ से भी ये घुमा के बढ़ा सकते हैं, उसको कम भी कर सकते हैं। ठीक है, ये जीरो पे आने के बाद बंद हो जाएगा। देखो, या बीच में स्टॉप करना है तो ये स्टॉप बटन दबाना है। अच्छा, समझो चल रहा है, आपने खोल दिया तो भी बंद हो जाएगा। अच्छा, या चल रहा है, आपने स्टॉप बटन दबाया तो स्टॉप हो जाएगा, फिर खोल के देख सकते हैं कि गर्म हुआ है नहीं हुआ, नहीं है।, हुआ है। रनिंग कंडीशन में आपको एक चीज और दी है, टर्न टेबल ऑफ, ये ऑफ का बटन दिख रहा है। हाँ हाँ, छोटा सा बराबर। तो ये जो प्लेट घूम रही है आपकी। हाँ हाँ, ये जैसे आपको रुकाना हो गया। हाँ हाँ, केक में रुका देते हैं, ग्रिल में कभी कभी रुकाना पड़ता है, तो ये टर्न टेबल ऑफ बटन दबाने का, यहाँ ऑफ क्या आएगा, घूमना बंद हो जाएगा। अच्छा, मतलब एक ही जगह ये रखी रहेगी, स्टॉप रहेगा, घूमना बंद हो जाएगा ये। फिर इसको जो एक जगह ये रखी रहेगी उससे फायदा क्या होगा मुझे? उससे फायदा ये होगा आपको, जैसे केक है मतलब घुमा के नहीं बनाना है आपको, एक ही जगह होल्ड करके पकाना है उसको, तो पका सकते। अच्छा, ठीक है, इसको वो राउंड करने के लिए ये वाला स्टॉप करने के लिए। हाँ, वहाँ लिखा हुआ है, राउंड बना हुआ है और ऑफ लिखा है। अच्छा, जो घूमे इसको अगर दबाएंगे तो वो घूमना बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा बराबर। ठीक है, ये चाइल्ड लॉक है, जैसे बच्चे बटन दबा रहे हैं तो 3 सेकंड दबा के रखेंगे तो ये लॉक हो जाएगा। अच्छा, बटन्स अब वर्क नहीं करेगी, बटन काम नहीं करेगी। ठीक है, वापस खोलने के लिए 3 सेकंड बटन दबाइए, खुल जाएगा। खुल गया, उसके बाद में आपको यहाँ पे माइक्रोवेव, कन्वेक्शन, ग्रिल, कॉम्बी, ये चार फंक्शन आपका मैनुअली है। ये चीजें चारों मैन है, मैनुअली मतलब आपको हाथ से दबा के फंक्शन सेट करना पड़ेगा। अच्छा, अभी बाइक फॉर एग्जाम्पल आपको बनाना है चावल, राइस पकाना है तो माइक्रोवेव में बनेगा, चाय बनानी है माइक्रोवेव में बनेगी, पोहा बनाना है माइक्रोवेव में, इडली बनाना है तो माइक्रोवेव में बनेगा, कोई भी चीज पकाने वाली है जो, तो वो माइक्रोवेव में बनती है, पकेगी। जैसे आलू बॉइल करना है, हाँ, तो माइक्रोवेव में ही होगा, पानी में डाल के आपको बॉइल करना है, ये माइक्रोवेव में ही होगा। ठीक है, माइक्रोवेव दबाना है, 900 वैट दिखाएगा, W सेलेक्ट करना है, ये बटन दबा के सेंटर में दबा के इसको, मतलब अंदर सेंटर, हाँ, सेंटर में दबाएंगे तो सेलेक्ट जीरो आएगा, फिर घुमा के टाइम लेना है। अच्छा, 15 मिनट में दो लोगों का राइस हो जाता है। अच्छा, 10-12-15 मिनट में, वो राइस की क्वांटिटी और राइस पे भी डिपेंड रहता है टाइमिंग, कोई राइस जल्दी पक जाता है, कोई राइस देर में पकता है। जैसे मतलब ये अभी 900 पे वो हो गया है। हाँ, सेट हो गया, सेट हो गया, और 15 मिनट लगा के मैंने स्टार्ट बटन दबा दिया। इडली बनाना है तो 5 मिनट, चाय बनानी है दो लोगों की तो 4-5 मिनट में हो जाती है। ठीक है, समझ में आया ये कि माइक्रोवेव अच्छे से 900 वैट सेलेक्ट कर लिया आपने, जीरो आया, 5 मिनट। जैसे ये 900 है तो कम ज्यादा भी कर सकते हैं ना इसको? हाँ। अच्छा, जैसे ये दबाया मैंने, पहले माइक्रोवेव दबाइए। अच्छा, पहले ये माइक्रोवेव दबाया। हाँ, कम कर सकते हैं, टाइम ज्यादा लगेगा फिर।
अच्छा 100 से लेके 900 वैट है उसका, अगर वैट कम करेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। अच्छा, जितना भी अपना चाहिए, हाँ, चाहिए उतना करके सिलेक्ट करके फिर इसको वापस दबाते हैं। हाँ, अब ये टाइम सेट करना है, टाइम सेट करना है, अभी स्टार्ट करना है। ओके, ये समझ में आ गया। ठीक है, अच्छे से। अब उसके बाद में कन्वेक्शन, केक बिस्किट नान कढ़ाई के लिए, केक बिस्किट नान कढ़ाई बनाने के लिए, तो उसके पहले प्री हीट करना पड़ता है, आपने देखा होगा। हाँ, प्री हीट करते हैं। हाँ, हाँ। तो प्री हीट करने के लिए कन्वेक्शन स्टार्ट 180 डिग्री पे वो प्री हीट हो रहा है, मतलब अंदर से बॉडी गर्म हो रही है अपने आप से ही। हाँ, मैंने बताया ना अपने आप से कन्वेक्शन और स्टार्ट। अच्छा। ये दबाएंगे तो 180 डिग्री पे 5 मिनट के लिए बॉडी हीट होगी। अच्छा। उसके बाद में केक का मटेरियल रखना जब बंद हो जाएगा खुद को। अच्छा। ठीक है, कन्वेक्शन दबाया आपने, केक नान खटाई और बिस्किट, बिस्किट बनाने के लिए भी बेकरी के आइटम, बेकरी का आइटम जो भी बनाना है उसके लिए मैंने कन्वेक्शन दबाया। हाँ, कन्वेक्शन दबाया मैंने, फिर क्या होगा? कन्वेक्शन प्री हीट करना है या कन्वेक्शन खाली दबाना है? प्री हीट करने के लिए कन्वेक्शन स्टार्ट, कन्वेक्शन स्टार्ट, प्री हीट हो रहा है, 5 मिनट के लिए अपने आप बंद हो जाएगा। 5 मिनट टाइम भी इसमें साइड है अपन से। उसके बाद कन्वेक्शन दबाना है 180 डिग्री, बढ़ाना है तो बढ़ा लो, सेल्सियस रहिए। अच्छा। सेलेक्ट 0 आएगा तो टाइम लेना है। अच्छा। और स्टार्ट करना है, वैसे ही है सब, सेम टू सेम वैसे ही है, जैसे मैक्रो चला वैसे ही है, सब वैसे ही है। ग्रिल अगर कुछ कर रहे हैं, पिज्जा ग्रिल या एनीथिंग, जो भी ग्रिल करना है आपको। अच्छा। ग्रिल दबाइए, टाइम लगाइए, स्टार्ट करिए। ग्रिल में प्री हीट नहीं करना रहेगा? अच्छा, ग्रिल में जैसे पिज्जा बनाना है सीधा रख दिया और पिज्जा माइक्रोवेव में बनेगा, पिज्जा को अलग से ग्रिल करते हैं थोड़ा सा, पिज्जा माइक्रोवेव में आएगा। हाँ, ग्रिल में क्या क्या आएगा? जो भी ग्रिलिंग करना है, ग्रिलिंग जैसे पनीर या कुछ। ठीक है। ओके। उसके बाद में आपको कॉम्बी मिलेगा, कॉम्बी कॉम्बी दबाएंगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, CB1, इसमें यहाँ देखो यहाँ चित्र बना हुआ है, सिंबल जिसको बोलते हैं। हाँ। ग्रिल का और माइक्रोवेव का, बराबर है। ठीक है, इन ग्रिल का और माइक्रोवेव का कॉम्बो मिल रहा है। हाँ, कॉम्बो मिल रहा है, तो अगर यही चाहिए तो ठीक है, नहीं तो यहाँ से चेंज करना है। अभी क्या क्या हो गया इसमें, ये इसका आया, इसका आया ना। हाँ, कन्वेक्शन और माइक्रोवेव। अच्छा, कन्वेक्शन और माइक्रोवेव का, दोनों का हो गया। ये कन्वेक्शन और माइक्रोवेव दोनों का मतलब किस लिए? कॉम्बी है, कॉम्बी का किस, समझो केक है, कोई कोई कुकिंग भी करना है और बेकिंग भी करना है। अच्छा। कुकिंग मतलब उसको थोड़ा पकाना भी है। हाँ। और बेकिंग भी करना है, मतलब बेकिंग मतलब भट्टी में सेकना भी है। हाँ, हाँ। जैसे केक हम लोग बनाते हैं लकड़ी, तो उसके लिए कॉम्बी, दोनों एक साथ में चलेगा। बराबर समझ में। ये ग्रिल दोनों, दो चीजें मिला के कॉम्बी के लिए। हाँ। है ये दबाएंगे, ये तो कन्वेक्शन आपको सिर्फ CB1 CB2 ही मिलेगा। अच्छा, दिख रहा है? हाँ, बराबर। जो भी चाहिए सेलेक्ट करना है, 2 बार 0 आएगा तो टाइम लेना है और स्टार्ट करना है। चारों समझ में आए? चारों समझ में आ गया अभी। ये पावर डिफ्रॉस्ट है, सेंसर है, इंडियन रेसिपी है, डीओ कट डॉ प्रूफ है, स्लिम फ्राई है, रोटी नान है, ये आपको यहाँ से देखना पड़ेगा। अच्छा, अच्छा जे। हाँ। इंडियन स्लिम फ्राई है, स्लिम फ्राई बराबर। हाँ, रोटी नान रोटी नान है जैसे। हाँ। ये तो ये बटन यहाँ कैसे यूज करेंगे? रोटी नान देखिए एक दिया हुआ है। हाँ, रोटी नान एक नंबर रोटी है। हाँ। 2 नंबर पे नान दे। अच्छा, ठीक है, जो भी आपको रेडी करके उसके अंदर रखना है, स्टार्ट करना है, हीट होगा वो भट्टी जैसा। अच्छा, नहीं नहीं जैसे एक नंबर लगाना है ये किधर गया? हाँ, रोटी नान।
जैसे ये रोटी है, ये नान है, जैसे ये नान है तो मुझे जैसे नान बनानी है तो एक दो नंबर करिए, रोटी बनानी है दो नंबर करें, हाँ इसको घुमा के करिए, इसको घुमा के, अच्छा दो नंबर हो गया, अभी स्टार्ट कर दूँ इसको, हाँ अब करिए, ये रोटी नान रखने के बाद में स्टार्ट, उसको उसके लिए फ्री हीट नहीं करना है ना, वो खुद ही हीट होगा पूरा। अच्छा बराबर, अभी इसमें से समझो आपको कुछ बनाना है, हाँ हाँ फ्रोजन ओवन चिप्स बनानी है, हाँ हाँ ठीक है, ठीक तो है। स्लिम फ्राई में 2.1 नंबर है, स्लिम फ्राई टू सेलेक्ट वन, इसमें आपको ग्राम पूछ लेगा कभी कभी, 300 से 350 ग्राम है, बढ़ाना है 400 से 500 ग्राम स्टार्च। अच्छा इसमें वजन भी पूछेगा, हाँ वजन भी कोई कोई चीज में पूछ लेगा, बराबर है, देख लो आप, देख लो अच्छे से लगाना सीख लो आप। ये पावर डिफ्रॉस्ट किस लिए है पता है? नहीं। ये जैसे फ्रिज से आपने कुछ निकाला, अच्छा तो क्या होता है कि वो हार्ड रहता है, या फ्रूट है या ब्रेड है या मतलब जो मतलब उसको नॉर्मल टेम्परेचर में लेके आने के लिए, ठीक है, डाल जो चीज ये रहेगा ना उसको डालने के बाद सिर्फ ये नंबर लगाना, वजन भी देना पड़ेगा इसमें, जैसे आपका फ्रूट है कोई भी फ्रूट आपने निकाला रखा तो उसको नॉर्मल टेम्परेचर में लेके आना है, तो पावर डिफ्रॉस्ट दबाइए, पांच नंबर पे फ्रूट है, पावर डिफ्रॉस्ट पांच नंबर करिए, सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट सेलेक्ट सेलेक्ट, हाँ अब ये ग्राम पूछ रहा है कितना ग्राम है, फॉर एग्जांपल आपका 300 ग्राम है तो ग्राम बढ़ा दीजिए, 300 ग्राम 400 हो गया, ये बंद करके जब स्टार्ट बटन दबाएंगे तो टाइम खुद ब खुद ले लेगा, वो टाइम अपने आप ले लेगा, ये जो रेसिपी इसमें लिखी है उनका टाइम सेट नहीं करना है, टाइम खुद इसी को ऑटो कुक बोलते हैं। अच्छा ये जो चीजें लिखी है हाँ। सिर्फ उनका मुझे यहाँ नंबर सेट करना है, सेट करना है नंबर सेट करके और स्टार्ट बटन दबाना है, जो भी यहाँ जो भी ये चीजें हैं, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ग्यारह है इसमें, यहाँ नहीं दे, ऐसे नहीं देते हैं। अच्छा स्लिम फ्राई यहाँ तक है, ये देखिए, अच्छा ये हाँ चार भाग में यहाँ तक है, रेसिपी यहाँ तक है, रोटी नान इतना सही है, हाँ रोटी नान डॉग प्रूफ इतना है, बराबर ठीक है, सेंसर इतना है, बराबर और पावर डिफ्रॉस्ट इतना है, पांच बटन है, ये छह बटन है ये तीन गुण छह बटन है, अभी इसमें से आप देख लीजिए क्या कैसे करना है, बराबर जैसे कोई भी चीज इसमें से सिलेक्ट करनी है यहाँ पर, जैसे एग्जांपल के लिए इधर से कुछ लेते हैं,